मेरी अनुमति के बिना तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। शांत माता शांत, आपके इस क्रोधित और विकराल रूप के पीछे छिपे हुए सौम्य एवं शांत रूप से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो सुंदर और मनोहर रूप जिससे महाजोगी भगवान शिव शंकर भी सदैव मोहित रहते हैं। रक्षिका देवी अधिक क्रोध में, स्वामी अनिष्ठा के संकेत मिल रहे हैं। कहाँ हैं आप स्वामी? महारानी मंदोत्री, अग्नि, राज्य दस्ताहस, स्वामी आज आप प्रातः काल से ही कुछ व्याकुल सी हैं। लंकनी क्रोचा सबको सतर्क कर दिया है मैंने, यहां तक कि मैं स्वयं भी यहां उपस्थित हूं, फिर आप किस लिए इतनी चिंतित हैं? क्यों महारानी मंदोदरी? स्वामी स्वामी प्रातः काल से आप शकुन हो रहे हैं और अब तो देवी चामुंडा के मंदिर में उनका रूप दहकती हुई अग्नि की तरह दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि देवी अति अधिक क्रोध में है। स्वामी स्वामी अनिष्ट के संकेत मिल रहे, आप स्वयं मंदिर चलकर देख लीजिए। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो तो आपको किसी भी रूप में पहचान लेगा। मैं हनुमान हूँ। एक समय प्रभु महादेव और स्वयं आपने वैद वैदनी का रूप धारण करके मेरा मिलन प्रभु श्री राम से करवाया था। उसी क्षण मैंने आपके उस रूप के दर्शन किए थे माता, जिसे महादेव भी अपलक देखते हैं। अपने उस रूप के दर्शन दीजिए माता, अपने उस रूप के दर्शन देकर हनुमान को कृतार्थ कीजिए माता। आइए स्वामी, स्वयं अपने नेत्र से माता का रौद्रित रूप देख लीजिए। लंकेश दशानन, रावण का आपको प्रणाम है। देवी चामुंडा, ये कैसे हो गया? स्वामी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूं। अभी अभी कुछ क्षण पूर्व इन दीपकों की ज्योति ज्वालामुखी भांति भबक रही थी और माता के चारों ओर
उनकी क्रोध की अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, ये देवी के क्रोध की नहीं, आपके भ्रम की अग्नि है जो बार बार भड़क रही है। असुरों की महारानी को यह शोभा नहीं देता। महारानी मंदोदरी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप उस लंकेश की पत्नी हैं जिससे नवग्रह भयाक्रांत रहते हैं, जिसका नाम सुनते ही देवता कंपित हो जाते हैं, जिसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता। आप उस रावण की पत्नी हैं। माता, मैं यहाँ किसी का कोई अहित करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इसलिए तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मैं भाप चुकी हूँ। हनुमान, तुम यहाँ देवी सीता को ढूंढने आए हो ना, जिनके विक्षोभ में तुम्हारे प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। ये कार्य लंकेश रावण का ही है। आश्चर्य है माता, जब आपको सब ज्ञात है तो आपने मुझे क्यों रोका? उस दुष्ट रावण और उसके इस पाप की नगरी लंका की रक्षा क्यों कर रही हैं आप माता? भगवान शिव की अर्धांगिनी और जगत जननी माता पार्वती को ये सब क्यों करना पड़ रहा है माता? ये विवशता है मेरी। विवशता? आपको कोई कैसे विवश कर सकता है माता? तुम जानना चाहते हो तो सुनो हनुमान। रावण कुशल संगीतज्ञ है। एक समय महादेव के भक्त रावण ने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए संगीत और स्तुति को माध्यम बनाया। ऐसा मधुर संगीत था उसका कि संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय हो उठा। जटाटवी कलज्वर प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम् कुचंग तुंग मालिकाम् डमट 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 डमन्निनाद मट्टवर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिवशिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति गंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुत्त दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचि प्रवत्थ कंधरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं समंत कच्चिदं भजे। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत् क्रमस्पुर कराल भाल अव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण,
प्रभु। ये सत्य है माता, संगीत के माध्यम से शीघ्र ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसीलिए महादेव शिव भी संगीत के स्वरों से प्रसन्न होकर खींचे चले आए। हाँ हनुमान, रावण ने स्वामी को प्रसन्न तो किया ही, उनसे वरदान के रूप में प्रभु का आत्मलिंग मांग लिया। आत्मलिंग? हाँ हनुमान, आत्मलिंग स्वामी का ही एक रूप है जो सदैव उनके हृदय में विराजता है। रावण उसे यहाँ लंका में लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता था, जिससे उसकी लंका सदैव के लिए अजय एवं अभेद्य हो जाए। प्रभु तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने अवश्य ही रावण की इच्छा पूर्ण कर दी होगी। प्रभु तो आशुतोष है, अवगढ़दानी है, अपने भक्त को कुछ भी प्रदान करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वरदान स्वरूप उन्होंने रावण को आत्मलिंग प्रदान तो कर दिया, परंतु साथ में एक प्रावधान भी कर दिया। तुम्हारे अद्भुत स्तुति और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करूंगा, किंतु ऐसी किसी भी पवित्र वस्तु को ले जाने के लिए उस भक्त को उस वस्तु के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रमाण देना होता है। प्रभु, मेरे ईष्ट, मेरे आराध्य, आपका परम भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई भी प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है। तो सुनो रावण, लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे, और दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पूर्व तुम पुष्पक विमान का प्रयोग भी नहीं करोगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठतम भक्त रावण की भुजाओं में इतना बल है कि आपके पवित्र आत्मलिंग को मैं लंका तो क्या, समस्त ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं में लेकर भ्रमण कर सकता हूं। अब लंका तक आपका पवित्र आत्मलिंग मेरी भुजाओं में आरूढ़ होकर जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर रखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महादेव, आपके कथनानुसार ही अब आपका ये भक्त रावण आपके आत्मलिंग को बिना भूमि पर रखे ही उसे लेकर लंका पहुंचेगा। स्मरण रहे रावण, यदि लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में तुमने कहीं भी लिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा, और फिर तुम्हें रिक्त हाथ ही लंका लौटना पड़ेगा। माता, रावण तो महाबली था, वो कैलाश से दक्षिणी समुद्र तक बड़ी सहजता के साथ प्रभु का आत्मलिंग लेकर जा सकता था। हाँ पुत्र, रावण स्वामी के आत्मलिंग को उठाए हुए वन, नदियाँ, पर्वत आदि पार करता हुआ लंका की ओर बढ़ता चला गया। तब देवताओं ने उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की। वायुदेव ने धूल भरी आंधियां चलाई, पर रावण सतत आगे बढ़ता चला गया।
वरुण देव ने तीव्र जल धाराओं का प्रयोग किया जिससे रावण गिर जाए और आत्मलिंग का पृथ्वी से स्पर्श हो जाए। परंतु तीव्र जल धाराएं भी रावण के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ाया और अग्निदेव ने रावण के पंख के नीचे की शिलाओं को इतना अधिक तपाया कि वे कोयला बन गई। परंतु रावण की इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं था माता जो रावण को लंका जाने से रोक सके? जब शक्ति असफल हो जाए तो युक्ति से कार्य करना चाहिए। रावण की यात्रा को रोकने वाला भी था कोई। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, रावण अजय हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। उसके अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे, राक्षसों के दुराचार और पापाचार से सब त्राहिमाम हो उठेंगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के लिए भी रावण को परास्त करना असंभव हो जाएगा। हम सभी देवताओं के समस्त प्रयास असफल हो चुके। अब आप ही हमारी अंतिम आशा है पार्वती नंदन। आप सब चिंता मत कीजिए, पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर लंका तक रावण को नहीं जाने देगा ये गणेश। प्रणाम देवगणों, आप सब चिंतित ना हो, समय तक रावण कोंकण क्षेत्र में स्थित एक समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसके संध्या वंदन का समय हो रहा था। लंकेश, यदि भक्ति भावना के साथ पिताश्री के आत्मलिंग को ले जाते तो मैं कदापि ना रोकता, किंतु अजय होकर संसार को प्रताड़ित करने की भावना से पिताश्री के आत्मलिंग को ले जा रहे हो जो अनुचित है। हो रहा है और मेरे संध्या वंदन करने का भी समय हो रहा है। महादेव ने तो पृथ्वी पर शिवलिंग को रखने से मना किया था। लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे। फिर मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा? आप ये प्रभु का शिवलिंग लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या?
ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, प्रभु का शिवलिंग देखा तो। तुम जो भी हो, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। माता, क्या ब्राह्मण बालक रूप धारण करने के पश्चात श्री गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूँ ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, प्रभु का शिवलिंग देखा तो। तुम जो भी हो, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। ये बालक दिखने में तो शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है, यदि इससे कहूं तो ये मेरा संध्या वंदन पूर्ण होने तक शिवलिंग को हाथ में पकड़े रख सकता है। ए, ब्राह्मण बालक रुको। अब आपको क्या हुआ? आपने कहा तो आपके मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग से जा रहा हूँ। आपको अभी भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं, मुझे कुछ काम है तुमसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना आपका कोई कार्य। आप तो अकारण ही मुझ पर क्रोधित हो जाते हैं। नहीं होऊंगा अकारण क्रोधित। तुम एक ब्राह्मण बालक हो, शिव महादेव के भक्त हो। मैं तुम्हें एक सुंदर अवसर दे सकता हूँ, भगवान महादेव के इस तेजस्वी शिवलिंग को अपने हाथ में धारण करने का अवसर। मैं इसे हाथ में, किंतु ये तो बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। दिखने में तो तुम अच्छे भले बलशाली दिखते हो। मुझे संध्या वंदन करना है, जब तक मैं संध्या वंदन पूर्ण नहीं कर लेता तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहो। कहो तो मैं तुम्हें कोई पुरस्कार भी दे सकता हूँ। एक भक्त के लिए तो भगवान का स्पर्श ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लाइए दीजिए मुझे। हाँ, इसे पृथ्वी पर रखना नहीं है, एक बार और पुनः सोच लो, इसे पकड़ सकते हो या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुछ ही समय के लिए, क्योंकि ये भारी प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसे नहीं संभाल सका तो आपको पुकारूंगा। यदि तीन बार पुकारने पर भी आप नहीं आए तो मैं इसे भूमि पर रखकर चला जाऊंगा। तीन बार तो क्या, इसके पुकारने से पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये लो, इसे पूर्ण श्रद्धा से ही पकड़े रहना, हम शीघ्र ही संध्या वंदन कर करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। अर्थात गणेश जी की युक्ति सफल हो रही थी। हनुमान, पुत्र गणेश का उद्देश्य तो रावण की यात्रा को विफल करना था, और वैसे भी गणेश जिस कार्य को करने की ठान ले वो तो पूर्ण होता ही है। बस गणेश प्रभु के शिवलिंग को लिए वहीं खड़े रहे और रावण समुद्र में जाकर संध्या वंदन करने लगा।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओहो, ये जल क्यों नहीं आ रहा है हाथ में? जल के स्थान पर ये कंकर? गणेश जी की लीला तो अति न्यारी है। कहाँ है? शीघ्र आइए। शिवलिंग भारी लग रहा है मुझे। बालक, तीन बार पुकारने तक तो शिवलिंग पृथ्वी पर नहीं रखेगा। क्या हो रहा है? मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। शीघ्र आइए, अन्यथा मुझे इसे भूमि पर रखना होगा। कहीं ये बालक मुझसे छल तो नहीं कर रहा? वश ही इसे देवताओं ने भेजा है। सुनो, जब तक मैं ना आऊं, शिवलिंग को पृथ्वी पर मत रखना। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। तीसरी बार पुकार रहा हूँ, शीघ्र आइए, अन्यथा मैं शिवलिंग को भूमि पर रख दूंगा। मैं आ रहा हूँ ब्राह्मण बालक। शिवलिंग को हाथ में ही रखे रहना, पृथ्वी पर मत रखना। मुझसे ये नहीं संभल रहा है। मत रखना पृथ्वी पर। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। जाओ ब्राह्मण बालक। इस प्रकार रावण सदा के लिए अजय होते होते रह गए और गणेश के इस कृत्य से गोकर्ण क्षेत्र भगवान महादेव का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया और साथ ही गणेश को एक नया नाम भी मिल गया, विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता श्री गणेश। संसार को संकट में डालने वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी। जय श्री गणेश। किंतु फिर ऐसा क्या हो गया माता कि आपको अंश रूप में यहाँ लंका की रक्षा के लिए आना पड़ा? आत्मलिंग को लंका ले जाने में असफल होने से शुभ्र रावण पुनः कैलाश आ पहुंचा। प्रभु, देखा आपने? देखा, आपकी भक्ति का क्या प्रसाद मिला है आपके परम भक्त दशानन लंकेश रावण को। महादेव, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे वरदान देना होगा, जो आपके उस आत्मलिंग के समान ही प्रभावकारी हो। लंकेश, महादेव आपको वरदान दे चुके, किंतु सब कुछ जानते हुए भी आप उस वरदान का मान नहीं रख पाए और अब पुनः
आत्मलिंग के समान वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ माता, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हूं। उचित है, महादेव के स्थान पर मैं आपको वरदान देती हूं कि मैं अपने अंश चामुंडा देवी के रूप में सदैव आपकी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु स्मरण रहे, जिस दिन आपके पाप आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, मैं लौट आऊंगी। धन्य हुआ महादेवी, धन्य हुआ। तब से आज तक मैं लंका की रक्षा कर रही हूं। मेरे रहते लंका के भीतर लंकेश रावण की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भी नहीं हनुमान। ये आप क्या कह रही हैं माता? प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा है। आराध्य हैं वो मेरे, मेरा रोम रोम उन्हीं को समर्पित है। कैसी भी बाधा, कोई भी विपत्ति आ जाए, प्रभु का कार्य पूर्ण किए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ माता? हनुमान मेरे रहते नहीं, किंतु मेरे जाने के पश्चात तो तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। और अब मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। देखिए, देखिए स्वामी, स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। मैंने कहा था देवी चामुंडा की क्रोध की अग्नि धधक रही है, ये अशुभ संकेत है स्वामी। मैंने रावण को वचन दिया था कि मैं अपने अंश चामुंडा के रूप में तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारे भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, तो मैं लौट जाऊंगी। सत्य है माता, मनुष्य के किए हुए पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं, किंतु जब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसे अपने अभिमान में ये ज्ञात ही नहीं रहता कि कब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। हाँ हनुमान, रावण ने भी पराई स्त्री का अपहरण कर सबसे घृणित पाप किया है, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और रावण के पापों का घड़ा भर चुका है। देख, मैंने आपसे कहा था ना। तुम्हारी ये भ्रामक और मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। जिस लंका में हर क्षण नारी का अपमान हो रहा, चाहे वो अपने पति के द्वारा ही अपमानित की जा रही या किसी नारी को बलपूर्वक अपने पति से दूर करके पति वियोग सहने को विवश कर दिया गया, मैं उस लंका की सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ हनुमान? आप सत्य कह रही हैं माता। हनुमान, मैं तो उसी दिन इस लंका का त्याग कर देती जिस दिन रावण ने देवी जगदम्बा की अंश देवी सीता का हरण किया था।
किंतु यहाँ मैं इसीलिए रुकी रही कि रावण देवी सीता के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार न कर सके। अब तुम आ गए हो, इसीलिए अब मैं आश्वस्त हूँ। अब तुम्हें अपने दायित्वों को निभाते हुए राम कार्य को पूर्ण करना है हनुमान। अवश्य माता, प्रणाम। मनोरथ भवा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माता, आपको शत शत नमन। होकर चली गई है, हो ना कोई विपदा लंका में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार लंका में प्रवेश किया तो किसी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ सकती है। मुझे माता सीता को गुप्त रूप से ही ढूंढना होगा और इसके लिए मुझे अति लघु रूप धारण करना होगा। जय श्री राम। राक्षसों की माया नगरी लंका। वहां से देखता हूं। हम्म।
मुझे तो आशा थी कि इतनी रात्रि को सब निद्रा मग्न होंगे, शांति छाई होगी चारों ओर, किंतु यहाँ तो रात्रि में कुछ अधिक ही हलचल है। हाँ, निशाचरों का जो देश है, किंतु इतनी भीड़ में माता सीता से मिलने से पूर्व ही यदि किसी ने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, हनुमान को युक्ति से कार्य करना होगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहते कोई भी असुर मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जान सकेगा। जय श्री राम। ये ध्वनि क्या हुआ है यहाँ? अरे, ये प्रतिमा का भाग अकस्मात कैसे गिर गया? ये कैसे संभव है? प्राविसी नगर की जय सब गाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। किंतु यहाँ तो दूर दूर तक माता सीता के कहीं उपस्थित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लंका जैसी भोगुर विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी। संपाती जी ने बताया था कि माता सीता किसी वृक्ष के नीचे आसीन हैं। मुझे किसी ऐसे भवन या राज प्रासाद को देखना होगा जहां आसपास कोई वृक्ष हो। किसी वृक्ष के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं माता सीता। उस ओर कोई वाटिका सी दिखाई दे रही है। माता सीता उस ओर हो सकती हैं। ये ध्वज कैसे गिरा? स्वामी स्वामी रुकिए स्वामी। लंका पर संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे मुझे, किंतु आपको मेरी बात भ्रम लग रही। प्रातः से ही अपशगुन के संकेत मिल रहे मुझे। अग्नि देवी चामुंडा के मंदिर में एवं बस बस मंदोदरी, बहुत हो गया तुम्हारा अनर्कल प्रणाम। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। तुम्हें अपशकुन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं प्रातःकाल ही 1000 अष्ट पकरों की बलि चढ़वा देता हूं। मन की शांति, अपशकुनों का शमन और बलि से देवी चामुंडा भी प्रसन्न।
लंका में रावण आपको प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अस्त्र पशुओं की बलि देने जा रहा है। स्वयं को महाज्ञानी समझने वाला रावण मूर्ख है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि निरीह एवं निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने स्वार्थों, कामनाओं, निरर्थक सांसारिक सुखों और पाप कर्मों का त्याग करने का संकल्प करते हैं। सच्चे अर्थों में यही बलि होती है। देवी, रावण मेरा भक्त है, किंतु कभी भी वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया। उसका दुर्भाग्य है कि उसने अनेकों वरदान मुझसे मांगे, किंतु कभी भी मुझे अपने हृदय में नहीं बसा पाया। हनुमान जैसे भक्त सब नहीं होते। हनुमान ने बिना कुछ मांगे ही प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया। हाँ देवेश्वर, देखिए किस प्रकार हनुमान बिना रुके, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंतर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने में लगे हुए। यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, यहां भी नहीं है। माता, क्या करूं, कहां ढूंढूं? यहां कुछ राक्षसियां एकत्र दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये राक्षसियां माता सीता पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त की गई होंगी। हां, यही होंगी माता सीता। यहां भी नहीं है माता सीता। वहां से कुछ स्त्रियों के स्वर आ रहे हैं, हो सकता है माता सीता वहीं हो। मुझे उस भवन में जाना होगा। यहाँ तो राक्षस भी हैं। इन सब की दृष्टि से बचते हुए मुझे उस अंतिम वृक्ष तक पहुंचना होगा। देखो कितनी कुरूप है, परंतु बंधन कराई है। जैसे सर्व सुंदरी हो। सुरा और सुंदरी। यहाँ भी नहीं है माता सीता। हो सकता है कि इन दुष्ट राक्षसों की भीड़ से बचने के लिए कहीं स्वयं को छुपा के बैठी हूं।
मक्के। मदिरा दूषित करेगी। ये मदिरा का पात्र तो मेरे ऊपर ही रख रहा है। ये हो क्या रहा है? ये मदिरा पात्र डगमगा रहा है या मैं डगमगा रहा हूँ? पकड़ो मदिरा पात्र को, संभालो कोई, शीघ्र आओ। जी किया, पूरा मदिरा पात्र गिरा दिया। क्षमा। मूर्ख, तूने मेरी मदिरा गिरा दी। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, सबसे सुंदर पूरी लंका में। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी पर तुमने झूठा बोतल गिराया, अब भी बताती हूँ तुम्हें। पे हंसता है ये आनंद। बावड़े हो गए हो क्या? प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी की ऐसी दशा करने वाले सबको दंड दीजिए महाराज। किसने आरंभ किया ये सब? इस मोर को दंडी ने महाराज। प्रणाम महाराज। लंकेश्वर की जय हो। तो यही है लंकेश रावण। महाराज दोष मेरा नहीं। इसका है महाराज। कहीं सबने मुझे देख तो नहीं लिया? तो इस तुच्छ नर के कारण हुआ है ये सब? नर? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा। बंदी बना दो इसे, कारागार में डाल दो। मुझसे भूल हो गई महाराज, क्षमा करें। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं।
और मेरा आदेश है आगामी भोज के लिए इसके आमिष से ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाएगा। दया कीजिए महाराज, कारागार में मत डालिए महाराज। महाराज दया कीजिए, मैं जीवित रहना चाहता हूँ महाराज। ले जाओ, छोड़ दीजिए। मेरे कारण आपको कारावास का दंड मिला, हनुमान आपको कोई क्षति नहीं पहुँचने देगा। तुम सब क्यों रुक गए? अब निर्विघ्न अपना उत्सव पूर्ण उत्साह से बनाओ। दशानन रावण के राज में कोई भी उत्सव किसी भी व्यवधान के कारण नहीं रुकेगा। महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तेरा जीवन कारागार। कारागार? कहीं इस दुष्ट रावण ने माता जानकी को भी तो कारागार में बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ है? क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। मुझे कारागार में मत डालिए। मुझे कारागार में जाकर देखना होगा। ले चलो शीघ्र। दुष्ट, क्या किया तुमने? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे कारागार में नहीं जाना। यदि उस दुरात्मा रावण ने माता सीता को ऐसे जीर्ण शीर्ण भग्नावशेष में बंदी बनाकर रखा है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। क्षमा कर दीजिए। विलाप करना बंद करो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों, क्षमा बारा क्षमा। वहाँ उस कोने में अनेकों स्त्रियां बंधक हैं, संभव है माता सीता भी वहीं हों। हनुमान को शीघ्र वहां जाकर देखना चाहिए। सभी के नेत्रों में अतुलित वेदना, दुख और संताप के चिन्ह तो स्पष्ट हैं, परंतु किसी के भी नेत्रों में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का कोई भी भाव नहीं है, कोई भी आशा या उत्साह नहीं। माता सीता इनमें से कोई भी नहीं हो सकती, अर्थात माता सीता यहां भी नहीं है। माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है, उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। जय श्री राम। मुझे रत्न जटित कपाट वाले उन सभी सुसज्जित कक्षों में देखना होगा। संभव है रावण ने माता सीता को उनमें से ही किसी कक्ष में रखा हो, परंतु किसी और का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट ना हो, इसीलिए हनुमान को गुप्त द्वार से भीतर जाना होगा। ओ भक्त सानन कनक प्रसादा,
हनुमत खोजत जानकी माता। दुर्ग विशाल के छोर अनंता, विचरे कोना कोना हनुमंता। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। सहस्त्र हैं कक्ष अनेका, छाने परंतु कपि प्रत्येका। हो प्रति प्रयास लगी हाथ निराशा, किंतु पवन सुत छोड़ी नासा। राम सिया राम जय हनुमान। अरे वायु का ये कैसा प्रवाह है जो हनुमान को भी अपने साथ खींचे ले जा रहा है। ये तो इस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की श्वास का प्रभाव है। मुझे अपना बचाव करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो मुझे अपना आकार बड़ा करना होगा। देखो असुर शिरोमणि कुंभकर्ण की निद्रा में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे उन्हें कहा कुछ ज्ञात होगा। हम तो प्रतिदिन ये कार्य करते आए हैं, आज तक वो उठे हैं कभी? चलो चलो अपना कार्य करो, व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय मत गवाओ। इसके मुख में प्रवेश करने से कैसे अपना बचाव करें हनुमान? कार्य के मध्य सफलता के लिए छोटी से छोटी संभावना की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।